आज बनाते हैं यमी सा पुलाव। इसके लिए हमने लिया है 1 बड़ा चम्मच तेल, डाल देंगे इसमें दालचीनी के टुकड़े, 1 छोटी चम्मच जीरा, ये फूल चक्री लिया हमने 3, और 2 हमने यहाँ पर हरी मिर्च लिया है, इसे कट करके डाल दिया है। अब इसे हल्का सा भूनना है हमको। आप यहाँ पर अपने मन अनुसार कोई भी गर्म मसाले डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में मैं ले रही हूँ यहाँ पर काजू और थोड़े से किशमिश। तो जितने चाहे आप उतने ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर डाल सकते हैं। काजू और किशमिश को हमें अच्छे से भून लेना है, और अच्छे से भूनने के बाद हम मतलब इसको जलने नहीं देना है। किशमिश जब जैसे फूलने लगे ना तो बस इतना ही भूनना है, नहीं तो किशमिश के चक्कर में ना जल्दी से ये जल जाएंगे ड्राई फ्रूट्स। तो जब ये हल्का सा भुने इसके बाद ही हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच अदरक और मिर्च का पेस्ट। इससे ये एकदम अलग ही फ्लेवर का बनेगा। तो जब थोड़ा सा किशमिश भुने ना तभी डाल देना है, जब सारी किशमिश भुन जाए उसके पहले हमें नहीं डालना है, नहीं तो किशमिश भुनते भुनते जल जाएंगी। तो जब तक में हमारा मसाला भी भुनेगा और ये किशमिश भी अच्छे से भुन जाएंगी, और काजू में भी बिल्कुल हल्का सा ही कलर चाहिए हमको। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 से 2 चुटकी के लगभग, सिर्फ कलर देने के लिए। अगर आपको इस पुलाव में ये कलर नहीं पसंद है तो आप हल्दी स्किप कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है देखने में, और खाने में तो टेस्टी ये है ही। तो अच्छे से सभी मसाले हमारे भुन रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है ये 1 कटोरी चावल। तो नॉर्मल राइस लिया है मैंने यहाँ पर, आप बासमती या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उस चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉन्ग ग्रेन वाला लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। इसी तरह से 1 कटोरी आप उसे भी सोक कर लें, या फिर अपने क्वांटिटी के हिसाब से। अब किशमिश देख रहे हैं आप कितनी बढ़िया सी फूल गई हैं। इसमें हमने डाल दिया है चावल, चावल को भी साथ में थोड़ा सा भून लेना है। भूनने से इसका एक अलग टेस्ट आता है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर लगता है। तो हल्का सा ही भूनना है हमको, गैस का फ्लेम मीडियम रख के, इसको बिल्कुल भी जलाना वगैरह नहीं है हमको, अच्छे से भूनना है। अगर आप इस पुलाव को, वैसे तो इस पुलाव को ऐसे ही बनाया जाता है, अगर थोड़े बहुत आप इसमें गाजर या फिर मटर भी ऐड करना चाहते हैं ना तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे ऐसे ही बनाऊँगी, ये बहुत ही लाजवाब लगता है। और अगर आप लास्ट में इसमें 1 कटा हुआ लेमन का जूस डाल देंगे तो बिल्कुल लेमन राइस जैसे लगेगा। तो इसे देखिए, चावल को हमने अच्छे से भून लिया है, एकदम पानी ड्राई ड्राई हो गया है। तो 1 कटोरी में अब हम इसमें डाल देंगे 2 से 2.5 कटोरी के लगभग पानी, या फिर जैसा चावल हो आपका उस हिसाब से। तो 1 कटोरी में लगभग आप 2 से 2.5 कटोरी पानी डालेंगे ना तो चावल एकदम खिला खिला सा बनता है। और चावल की जो अलग अलग प्रजाति होती है उसमें अलग अलग टाइप से पानी डलता है, तो जैसा पानी आपका चावल लेता है आप उस हिसाब से डाल दें। कहीं कहीं पर 1 कटोरी में 1.5 कटोरी पानी लगता है, और कहीं कहीं पर 1 कटोरी में 2 कटोरी के लगभग पानी लगता है। तो पानी भी हमने डाल दिया है और इसे हल्का सा बॉईल आने देंगे। अब हम इसमें लास्ट में केवल नमक डालेंगे। कलर आप देख सकते हैं अभी से ही कितना बढ़िया सा ये कलरफुल दिख रहा है। तो ये जो येलोनेस है ना, इससे इस चावल का, इस पुलाव का जो फ्लेवर है और भी बढ़िया भी आता है, और लुकिंग वाइज भी ये बहुत ही सुंदर दिखता है। तो अब सभी चावल को अच्छे से नीचे से मिक्स करते हुए हम इसमें बॉयल आने देते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। वैसे तो मैं इसे पैन में बना रही हूँ, आप चाहें तो कुकर में भी बना सकते हैं। कुकर में आपको सिर्फ 1 सीटी आने देनी है, लेकिन चावल पहले हल्का सा बॉयल हो जाए उसके बाद ही आप ढक्कन लगाएं। तो चावल हमारा देखिए कितना बढ़िया सा बॉयल होना शुरू हो गया है। अब हम बिल्कुल गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसमें कवर कर देंगे। 5 मिनट के अंदर ही ये पुलाव बनकर तैयार हो जाएगा हमारा। आप इसे पनीर की सब्ज़ी के साथ, दाल मखनी के साथ, जैसे भी इंजॉय करना है वैसे ही आप इंजॉय कर सकते हैं। तो अब हमने कवर लगा दिया है, इसे छोड़ देंगे कुक होने के लिए। तो 7 से 8 मिनट हुए हैं और बहुत ही बढ़िया से हमारे चावल जो है वो कुक हो गए हैं। तो आप इन्हें हल्का सा चेक कर लें, और अगर आपको थोड़े कच्चे लग रहे हैं तो फिर से कवर कर दें 1 मिनट के लिए, और नहीं तो ये बिल्कुल डन हो चुके हैं। तो ये देखिए बढ़िया से खिले खिले हैं, क्योंकि हमने चावल यहाँ पर छोटे वाले इस्तेमाल किए हैं। तो अगर आप बहुत बड़े बड़े लॉन्ग ग्रेन वाले करेंगे तो और भी ज़्यादा खिले खिले दिखेंगे। तो चावल हमारे रेडी हैं, अगर आप इसमें लेमन डालना चाहते तो इसी स्टेज में डाल दें। और पुलाव हमारा हो गया एकदम तैयार, देखने में लाजवाब, खाने में बहुत ही टेस्टी। बनाए खाएँ, इंजॉय करें। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही टेस्टी लोबिया की रेसिपी। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, रोटी चावल पराठे किसी में भी आप इसे खा सकते हैं। साथ ही हम इसे बिना प्याज लहसुन के बनाने वाले हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पर कुकर लिया, हम डायरेक्ट बनाएंगे। इसमें हमने डाल दिया है 2 से 3 टेबलस्पून तेल। अब हम इसमें डाल देंगे 1 तेज़पत्ता, साथ में हम इसमें डाल देंगे दालचीनी के टुकड़े और थोड़ी सी स्टार्च के भी टुकड़े डाल देंगे। तो गरम मसाला आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, हमने एक दालचीनी भी डाल दी है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से जीरे और इसी में हमने 2 से 3 काली मिर्च भी ले ली है। अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेंगे 1 चम्मच के लगभग। तो यहाँ पर मैंने अदरक और मिर्च का पेस्ट लिया है, लहसुन का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। अगर आप लहसुन डालेंगे तो आप वो भी इसमें डालकर पीस लें, मिर्च लहसुन और अदरक के साथ। और इसे हल्का सा भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पर 4 से 5 टमाटर को पीस लिया था, क्योंकि हम यहाँ पर प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हमने डायरेक्ट टमाटर डाल दिए हैं। आप पहले प्याज भूने फिर टमाटर डालें अगर आप प्याज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 2 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 2 चम्मच, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, साथ में डाल देंगे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसे भी अच्छे से भून लेना है हमको, टमाटर जब तक पानी हमारा जो तेल रिड्यूस ना कर दे, तेल को छोड़ ना दे, तब तक हम इसे कुक करेंगे। गैस का फ्लेम अभी हमने यहाँ पर हाई रखी हुई है। अब हम इसे लो फ्लेम पर ढककर पकाएंगे 5 मिनट के लिए, जब तक कि ये तेल अच्छे से ना छोड़ दे। तो 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से भुन गए हैं और तेल काफ़ी अच्छे से बाहर निकल आया है, मतलब कि मसाला एकदम परफेक्ट डन है हमारा। अब हम इसे बहुत ही सात्विक तरीके से बना रहे हैं, मतलब ज़्यादा हम कोई इसमें मसाले नहीं डाल रहे हैं, जितने बेसिक डालने थे उतने ही डाल दिए हमने। अब हम इसमें डाल देंगे हमारे ये लोबिया, जिसको हमने सोक करके रखा था 4 से 5 घंटे के लिए, या तो फिर आप इसे ओवरनाइट भी सोक करके रख सकते हैं, जैसे कि हम राजमा वगैरह के लिए रखते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। अब मसालों के साथ इसे हमें थोड़ा भूनना है, तो मसालों के साथ अच्छे से इसे भून लें। अगर आप इसे कढ़ाई में बनाने वाले हैं तो आप जैसे राजमा को सीटी लगा कर पका लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप 4 से 5 सीटी लगा दें, जिससे कि अच्छे से बॉयल हो जाए, और बस इसी मसाले के साथ आप इसे बना सकते हैं। तो मैं इसे एकदम झटपट से बनाने वाली हूँ, तो हम इसे कुकर में ही डायरेक्ट पका लेंगे। अब ये भुनने के बाद हम इसमें डाल देंगे 3 कप के लगभग पानी। पानी डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हमें सीटी देनी है 7 से 8, क्योंकि हम यहाँ पर कच्चे लोबिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा डाल देंगे हम सोडा। सोडा डालने से डायरेक्ट छोले राजमा या फिर लोबिया जैसी आपको तुरंत बनाना हो ना, तो बस थोड़ा सा सोडा डाल दें, 7 से 8 या फिर 8 से 10 सीटी लगा दें और ये इंस्टेंट बनकर तैयार हो जाएगा। क्योंकि फिर आप पहले से 7 से 8 सीटी लगाएंगे, फिर आप अलग से कुक करेंगे, तो वो वाली बचत हो जाएगी। अब ढक्कन लगा देंगे, जब तक ये अच्छे से ना कुक हो जाए 7 से 8 सीटी लगाएंगे मीडियम फ्लेम पर। तो अब हमारा जो कुकर है वो ठंडा हो गया, यानी कि हमारी लोबिया हो गई एकदम तैयार। तेल आप देख सकते एकदम बाहर आ गया है, तो डालते समय आप पहले ही, अगर आपको ज़्यादा तेल पसंद ना हो तो थोड़ा कम करके आप इस्तेमाल करें। और ये बहुत ही बढ़िया से बनकर तैयार हो गए हैं, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, कलर, टेक्सचर, और एकदम परफेक्ट ये कुक हुए हैं। यहाँ पर मैंने इसे बनाने के लिए आलूओं का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन आपको सब्जी में आलू पसंद हो इस तरह की, तो आप 1-2 आलू पहले भी डाल सकते हैं, जब हमने इसको कुकर में रखा था ना बनाने के लिए तब। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से एकदम मैसी से पक गए हैं, और अगर ये ना कुक हुए हों तो आप इसको फिर से रख सकते हैं कुक होने के लिए और सीटी लगाकर। अगर आप इसको इसमें और भी खट्टापन देना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, हमने टमाटर का जो पेस्ट डाला था उतने में काफ़ी अच्छे से खट्टे हो गए थे। तो ये बिल्कुल मसाले आपके ऊपर है कि आप कितना डालना चाहते हैं। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी मसालेदार लोबिया की सब्जी, वो भी बिना प्याज लहसुन के। तो आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना और साथ में फॉलो करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।